हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स मैं सुबह के 5:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सो के देख चुकी हूँ, एकदम उजाला हो गया है और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, गैलरी धो लिया है, मतलब गैलरी में पानी डाल के गैलरी को धुल लिया अच्छे से। तो भाई आज तबीयत पता नहीं थोड़ी सी डाउन सी लग रही है, तो मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। मैं अभी नहाऊँगी थोड़ी देर में, थोड़ा घर का काम वाम निपटा के, क्योंकि मन ऐसे अजीब सा हो रहा है, जैसे कितनी बेचैनी सी हो रही है। तो मैं दिखा देती हूँ, मैंने गैलरी में धुलाई उलाई कर दिया है, कूलर में पानी भी भर दिया है, मतलब मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैंने सारे काम जितने घर के थे, झाड़ू पोछा वगैरह निपटा लिया है, बस नहाना रह गया मुझे। नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर मैं किचन का काम करूँगी, सब्जी वब्जी काटूँगी। तो मैं दिखा देती हूँ गैलरी आपको। तो यहाँ पर गाइस आपको दिख रहा होगा, मैंने धुलाई उलाई कर लिया है, कूलर में पानी भी डाल दिया है। तो सफ़ाई तो मैंने अच्छे से कर ली है, किचन की भी, कमरे की भी सारी सफ़ाई कर ली है। और पतिदेव हैं यहाँ पे, वो भी मोबाइल चला रहे हैं अपना। बिस्तर उस्तर मैंने सेट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। तो सारे काम जो है घर के कर लिए हैं मैंने, बस अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो मैं जैसे तबीयत थोड़ी सी सही होती है, फिर मैं कहाँ पर पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने रहेगा इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 8, और मैंने जैसे कि पहले आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने ब्लॉग पहले स्टार्ट कर दिया था। और मैं थोड़ा लेट नहाई हुई हूँ, तो मैं नहा धो चुकी हूँ बिल्कुल ही, पूजा पाठ हो गया है मेरा। मैं आपको अपने भगवान जी को दिखा देती हूँ। तो ये रहे गाइस हमारे लड्डू गोपाल जी, जो नहा धो के बिल्कुल ही बैठ चुके हैं अपने स्थान पे, और हमारी माता रानी हैं। तो सबको भोग वगैरह लग गया है, मैंने पूजा पाठ कर लिया है, तो आप देख सकते हो लड्डू गोपाल जी आज हमारे शो में आ रहे हैं। तो सब वाइट ड्रेस में कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे गाइस मेरी तबीयत अब थोड़ी सी ठीक लग रही है, क्योंकि सुबह पता नहीं क्या हो गया था, मन ऐसे एकदम बेचैन सा हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो उसका संकेत पहले ही मिल जाता है हमें। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था, पर अभी सब कुछ सही है गाइस, मैं ठीक हूँ, तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ठीक है। तो पतिदेव माने नहीं, वो नाश्ता बाहर से लेने चले गए, बोल रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तुम्हें नाश्ता नहीं बनाना है, तो नाश्ता बाहर से लेने गए। बाकी मैं चलती हूँ गाइस, उनका लंच तैयार करती हूँ। लंच भी बनाने के लिए मना कर रहे थे, पर पूरे दिन ऐसे होटल के भरोसे तो हम नहीं रह सकते ना, बाहर के खाने से, बाहर के खाने से तबीयत और भी ख़राब होती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ, तो मैं रोटी सब्ज़ी फटाफट से पतिदेव के लिए बना देती हूँ, बाकी नाश्ता वो लेके आते होंगे क्योंकि कब के गए हुए हैं बाहर। तो चलिए गाइस पतिदेव आते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। नाश्ते में क्या क्या लाएँ मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर, तो बने रहें वीडियो में। तो गाइस ये भिंडी, मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। भिंडी मैंने थोड़ा सा लिया है, भिंडी मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है गाइस, क्योंकि नाश्ते में तो हम जो बाहर का पतिदेव ला रहे हैं वही खाएंगे, तो लंच के लिए बस बनाना है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सब्ज़ी वेस्ट हो जाती है, फिर फ़ायदा क्या, इतनी महंगी इतनी भिंडी आ रही है मार्केट में। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, मैं कमरे में ही लेके आया, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी हो रही है गाइस, तो मैं कमरे में सब्ज़ी काटूँगी। कमरे में फ़ैन चल रहा है तो थोड़ा सा राहत मिल जाता है कमरे में, तो मैं कमरे में सब्ज़ी काट लेती हूँ। आटा वगैरह तो मुझे वहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आटा किचन कमरे में गिर जाता है। तो चलते मैं फटाफट सब्ज़ी काट के फिर मिलती हूँ गाइस आपसे, बने रहे वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी जो है कट कर ली है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं चलती हूँ फटाफट से किचन में। तो गाइस यहाँ पे पतिदेव नाश्ता ले आए हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पे कचौड़ी लाए हैं और सब्ज़ी है, अचार है इसमें। तो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ थाली में, फिर मिलती हूँ आपसे, आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ की दिल्ली की कचौड़ी कितनी टेस्टी होती है। तो गाइस ये रही सुबह की नाश्ता, और बहुत ही वैसा हैवी नाश्ता ले आए हैं पतिदेव, मैंने ऐसे ही बोला था थोड़ा सा लाने के लिए। तो ये है सब्ज़ी और ये है अचार मिर्च की और मूली की, और ये है गाइस पूड़ी, जो यहाँ की पूड़ी है बहुत ही टेस्टी होती है, इसमें तिल वगैरह डाल करके बनाते हैं। और यहाँ पे है 2 कचौड़ी, यानी कि 1 प्लेट पूड़ी है, 1 प्लेट कचौड़ी है। तो ये पूड़ी जो है गाइस आप सोच भी नहीं सकते, इतनी हैवी होती है ना खाने में, मैं आपको क्या बताऊँ, तो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो चलिए गाइस आप भी आइए खा लीजिए, तब तक चलते हैं पतिदेव को और मैं अपना नाश्ता, दोनों का नाश्ता इसी में है क्योंकि हम एक ही साथ नाश्ता करने वाले हैं। चलिए गाइस नाश्ता लेके चलते हैं, पतिदेव को नाश्ता देते हैं और मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ पे नाश्ता रख देते हैं, पतिदेव अभी आए नहीं हैं, हाथ में घूमने गए क्योंकि वो बाहर से आए, पीछे चल रही है टीवी। तो हम नाश्ता करके मिलते हैं, और मेरी जो तबीयत है गाइस थोड़ी थोड़ी सही लग रही है मुझे, पता नहीं कि जुकाम जाने का नाम नहीं ले रहा, अचानक से जुकाम हो जाता है। तो चलिए गाइस नाश्ता वगैरह करके मिलते हैं आपसे, बने रहे तब तक वीडियो में। तो हेलो गाइस, यहाँ पे दोपहर के बज चुके हैं 1:30, और मैं नाश्ता करके लेट गई थी क्योंकि मैंने पतिदेव को लंच वगैरह बना के दे दिया था, तो ऑफिस टाइम से चले गए थे। तो
तो मैं लेट गई थी गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत, मैंने पहले सुबह ही बता दिया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। पता नहीं क्यों ऐसे जुकाम बुखार से हो रहा है, अचानक से बुखार चल जाता है, फिर बुखार अपने आप उतर भी जाता है। तो यहाँ पे दोपहर के बज चुके हैं 12:30 गाइस, और मुझे दवाई खाना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा दवाई पीसीएम खा करके सो गई थी। तो पति ने कहा था कि दोपहर में फिर से वापस से दवाई खा लेना, तो दवाई खा के मैं रिटर्न सोऊंगी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं खाऊंगी तब तक तबीयत सही नहीं होगी। तो चलिए गाइस, बने रहे वीडियो में, फटाफट से दवाई खा लेती हूँ, थोड़ा सा रोटी खा करके एक दो जो भी मन करेगा। तो मैंने रोटी सुबह ही बना के रख दिया था, क्योंकि आज दोपहर को लंच बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरी। तो मैंने सुबह जब पतिदेव के लिए लंच बनाया था, जब भी रोटी बना करके रख दिया था। तो चलिए आपको दिखाती हूँ गाइस, मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। तो यहाँ पे रोटी है गाइस, और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी है। मैंने जैसा कि आपसे कहा था, भिंडी की सब्ज़ी मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही खाना बनाया था आज। तो चलिए गाइस, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, यहाँ पर मैं सो गई थी, और मैं सो के उठ चुकी हूँ, शाम के बज चुके हैं 5:30 बजने वाले हैं। कूलर का पानी ख़त्म हो गया, तो अपने आप से नींद खुल गई, क्योंकि तबीयत मेरी अब बहुत ही अच्छी है। दवाई खाने के बाद मैं लेट गई, इससे मेरी तबीयत को बहुत आराम मिला है गाइस। तो कूलर में मैं भर लूँगी पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़ोर की पड़ रही है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे उल्टा सीधा सो गई थी गाइस, तो मैं बिस्तर को सेट कर देती हूँ पहले, क्योंकि पति देव भी आने वाले हैं, उनका भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। और मैं बनाती हूँ शरबत, या फिर कुछ और बनाऊँगी, मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ पति देव को क्या खाना पीना है। तो गाइस, गर्मी इतनी तेज़ की पड़ रही है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। चलिए गाइस, बने रहे वीडियो में, मैं आपसे क्या बात करूँ, बस यही मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए प्लीज़, फुल वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो में आप लोग प्यार दिखा नहीं रहे हो, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यही कहूँगी गाइस कि मुझे थोड़ी सी मायूसी हो रही है, सभी को होती है, पर कोई नहीं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन ज़रूर मिलती है, मुझे ये पता है गाइस, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ करूँगी तो मैं कुछ करूँगी, खाली घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि हाँ मैं थोड़ा अपना मन फ़ोन में लगा के रखती हूँ। तो कोई नहीं, आप लोग भी प्यार दिखाएंगे, जैसे मैं आज बड़े यूट्यूबर को देखकर मायूस होती हूँ कि पास मेरे चैनल पे 1K व्यूज़ ही आ जाता तो ही अच्छा होता, पर 1K क्या 200 व्यूज़ भी नहीं आता। कोई नहीं, बने रहे गाइस, मुझे फिर भी खुशी है कि मैं आपके सामने अपने चेहरे को फेस कर पा रही हूँ, मतलब मैं बोल पा रही हूँ आपसे, बात कर पा रही हूँ, इतनी में मुझे तसल्ली है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, जहाँ पे लोग फ़ोन में देखना तो क्या, फ़ोन के सामने भी नहीं जाना पसंद करते, पर मैं बात तो कर रही हूँ, इसलिए मुझे तसल्ली है अपने ऊपर। तो चलिए गाइस, बने रहे, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ पे पति देव ऑफिस से आ गए हैं, और मम्मी से बात कर रहे हैं, सासू मम्मी से, क्योंकि सासू माँ का फ़ोन आया है, तो वो बात कर रहे हैं, और पति देव वहाँ भी लेके आए हैं, तो मैं उन्हें बात करके दे देती हूँ खाने के लिए। चलो गाइस, यहाँ पे बज चुके हैं 7:30, और मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को अपनी भोग लगाने। तो यहाँ पे पति देव आमिल आए थे, तो जैसे घर में हमारे कोई चीज़ आता है तो पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है, फिर बाद में हम खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ पैर अच्छे से धुल लिया है, और लड्डू गोपाल जी के लिए आमी कट कर लिया है भोग लगाने के लिए। तो चलती हूँ मैं फटाफट से पूजा करती हूँ, और शाम का भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो बने रहे गाइस वीडियो में, मैं भोग लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, शाम का भी पूजा पाठ मेरा हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हो मेरी माता रानी ने, मैंने भोग वोग लगा दिया है, तो पूजा पाठ मेरा अच्छे से हो गया गाइस। तो आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते नहीं हो तो फिर फ़ायदा क्या ज़्यादा लंबा करके। तो चलिए गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।